नमस्कार, आदाब। शाखा 9 न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं फखरुद्दीन हाशमी। मुंबई में लगभग 2 महीने बाद रेस्टोरेंट, जिम, सैलून, सार्वजनिक मैदान और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठान सोमवार से फिर खुल गए हैं। ये छूट महाराष्ट्र सरकार की 5 स्तरीय अनलॉक योजना के तहत दी गई है। ब्रांड मुंबई महानगर पालिका ने नागरिकों से अपील की है कि वे अपने गार्ड को निराश न करें और कोविड-19 के नियमों का सख्ती से पालन करें। बीएमसी ने मुंबई लोकल ट्रेन में सिर्फ मेडिकल व अत्यावश्यक सेवाओं से जुड़े कर्मचारियों को ही सफ़र करने की अनुमति दी है। महिला यात्रियों को भी लोकल में सफ़र का अनुमति नहीं दी गई है। सरकार के आदेश के अनुसार मुंबई में आवश्यक दुकानें सप्ताह के सभी 7ों दिन शाम 4 बजे तक खुली रहेंगी, लेकिन गैर जरूरी दुकानें केवल सप्ताह के दिनों में शाम 4 बजे तक खुली रहेंगी। इससे पहले आवश्यक और गैर जरूरी दोनों दुकानों को दोपहर 2 बजे तक खुले रहने की अनुमति थी। नवीनतम आदेश के अनुसार मॉल, मल्टीप्लेक्स और थिएटर बंद रहेंगे। हालांकि मेडिकल और केमिस्ट की दुकानें 24 घंटे खुली रहेंगी। रेस्टोरेंट को भी शाम 4 बजे तक खुले रहने की अनुमति है, लेकिन केवल 50% क्षमता के साथ। बीएमसी अधिकारियों ने कहा पार्सल, टेक अवे और भोजन की होम डिलीवरी की सुविधा जारी रहेगी। बेस्ट बसों को यात्रियों को उनकी बैठने की क्षमता के पहले के 50% के बजाय 100% तक ले जाने की अनुमति है, लेकिन किसी भी खड़े यात्रियों को अनुमति नहीं है। सार्वजनिक स्थानों और मैदानों को हर दिन सुबह 5 से 9 बजे तक फिर से खोलने की अनुमति दी गई है। नए गाइडलाइंस के अनुसार एक विवाह समारोह में केवल 50 लोग शामिल हो सकते हैं, जबकि अंतिम संस्कार में केवल 20 लोग शामिल हो सकते हैं। कार्य दिवसों में शाम 4 बजे तक 50% क्षमता के साथ सामाजिक और राजनीतिक सभाएं आयोजित की जाएंगी। वहीं निजी और सरकारी कार्यालयों में 50% उपस्थिति के साथ काम कर सकते हैं और इन्हें शाम 4 बजे तक खुले रहने की अनुमति दी गई है। बता दें कि महाराष्ट्र सरकार ने बीते शनिवार को साप्ताहिक सकारात्मक दर और ऑक्सीजन बेड के आधार पर राज्य में लॉकडाउन में प्रतिबंधों में ढील देने के लिए 5 स्तरीय योजना की घोषणा की थी। केवल 3 श्रेणी के तहत प्रतिबंधों में ढील उन जगहों पर लागू होती है जहां सकारात्मक दर 5% से 10% और ऑक्सीजन बेड की दर 40% से अधिक है। इस खबर में बस इतना ही। बाकी की अपडेट के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं फखरुद्दीन हाशमी, शाखा 9 न्यूज़।